तो हम लोग आईपीएल के टेंशन पर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल आज दिल्ली और पुणे के बीच में मुकाबला होना है रात के 8 बजे, लेकिन जैसा कि हमारे स्पोर्ट एक्सपर्ट संजय भारद्वाज जी बता रहे हैं, जो कि गौतम गंभीर और अमित मिश्रा के कोच रहे हैं और हैं, इन्होंने बताया कि दिल्ली डेयर डेविल्स कहीं ना कहीं पुणे के मुकाबले थोड़ा सा कहीं ना कहीं कमजोर है, और उसकी वजह यह है कि एक संतुलित टीम नहीं है। जो संतुलन दिखना चाहिए था बॉलिंग और बैटिंग लाइनअप में और उस कॉम्बिनेशन में, वो दिख नहीं रहा है। साइकोलॉजिकली चूंकि पुणे के पास में एक बेस है, एक फायदा बेस इसलिए भी है क्योंकि एक मैच वो जीती हुई, एक मैच हारी हुई, और मुंबई इंडियंस जैसी टीम को उसने हराया हुआ है। एक और पहलू पर हम एक रिपोर्ट छोटी से देखते हैं। दरअसल आईपीएल के 10वें सीजन में किंग्स इलेवन पंजाब की टीम बिल्कुल बदले हुए अंदाज में नजर आ रही है। प्रीति जिंटा की टीम ने सोमवार को धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए बैंगलोर रॉयल चैलेंजर्स को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। ये पंजाब की टीम की दूसरी लगातार जीत है। एक रिपोर्ट देखते हैं, इस रिपोर्ट के बाद दोबारा से चर्चा पे आएंगे। पंजाब के किंग्स का दिखा जलवा, बैंगलोर के रॉयल चैलेंजर्स को दी मात, 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर लीग में लगातार दूसरी जीत हासिल की। जी हां, आईपीएल के 10वें सीजन के दौरान सोमवार को किंग्स इलेवन पंजाब ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। आरसीबी की तरफ से एबी डिविलियर्स ने तूफानी पारी खेली। लेकिन उनकी वो पारी काम नहीं आ सकी और किंग्स इलेवन पंजाब ने आरसीबी को मात देकर लीग में अपनी दूसरी जीत हासिल की। दरअसल ये मुकाबला कल हुआ था पंजाब के बीच में और बैंगलोर के बीच में। बैंगलोर वो टीम जिसमें क्रिस गेल हैं, और क्रिस गेल का बल्ला जब चलता है तो सभी के सभी टीमें ध्वस्त हो जाती हैं, फिर किसी का दिन वो नहीं होता, सिर्फ क्रिस गेल का दिन होता है। लेकिन बावजूद इसके पंजाब ने इस मैच में जीत दर्ज की है। हम दोबारा से आते हैं चर्चा पर, जो कि आज 8 बजे से शुरू हो रहा दिल्ली और पुणे के बीच में। हमारे साथ संजय भारद्वाज जी, जो कि गौतम गंभीर और अमित मिश्रा के कोच हैं, हमारे खेल संवाददाता विभोर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभोर, जैसा कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि न्यूज रूम में हम लोग बात कर रहे थे कि दिल्ली डेयर डेविल्स आखिर कमजोर क्यों हो रही है। संजय भारद्वाज जी ने बताया कि कहीं ना कहीं एक संतुलित टीम नहीं है। पुणे एक मैच हारी है, एक मैच जीती हुई है, मुंबई इंडियंस को उन्होंने हराया है। ऐसे में आज भी ज्यादा उम्मीदें इस बात की हैं कि पुणे जीत सकती है। जी बिल्कुल, उम्मीद तो यही है कि पुणे जीत सकती है, लेकिन आईपीएल है, 20 ओवर का खेल है, एक ओवर से जो है यहाँ का मैच जो है वो बदल जाता है कई बार। हालांकि बात सही है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जेपी डुमिनी, जो इस टीम के सबसे अनुभवी जो है खिलाड़ी हैं, वो आन वक्त पे जो है बाहर हो गए। खुद टीम के कोच जो राहुल द्रविड़ हैं, उनका भी यही मानना था कि जेपी डुमिनी का जो हटना है वो टीम के लिए काफ़ी ड्रॉबैक वाली सिचुएशन रही है। अगर पहले पता होता कि वो इंजर्ड हैं या किसी वजह से वो टीम से बाहर हो रहे हैं, तो उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को रख लिया जाता। हालांकि टीम ये युवा है, इसमें सैमसंग जैसे बल्लेबाज हैं, जब्बार जी आपको बताना चाहूँगा, ये वही बल्लेबाज है जिसने आईपीएल सीजन 1 में राजस्थान की तरफ से, राजस्थान रॉयल्स तब हुआ करती थी, और बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया था जिसकी वजह से पहला सीजन राजस्थान ने भी जीता था। तो फिर ऐसी स्थिति में डोमिनिक का बाहर जाना, मतलब आखिर कारण समझ में नहीं आता है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बताया ये जा रहा था कि वो इंजर्ड है, इस वजह से वो बाहर हो गए हैं। लास्ट मोमेंट पर बाहर हुए थे, जाहिर सी बात है। अब चूंकि जो टीम है आपके पास वो युवाओं की टीम है, और जिस तरीके से ऋषभ पंत ने पिछले मैच में अच्छा खेला था,
ध्यान रखना होगा। जो है द्रविड़ को भी ये चाहिए कि सिचुएशन ऐसी बनाए, स्ट्रेटजी ऐसी बनाए कि जो एक बेहतर स्ट्रेटजी के साथ में इस मैच में उतरना होगा। संजय भारद्वाज जी, राहुल द्रविड़ जहीर खान एक कॉम्बिनेशन है, रहे होंगे, ठीक है, बहुत लेजेंड थे अपने वक्त में, राहुल द्रविड़ दीवार कहे जाते थे, जहीर खान अब इंडियन बॉलिंग के अटैक में एक मजबूत एक ओपनर के तौर पर थे, लेकिन इस वक्त दोनों की कॉम्बिनेशन को क्या माना जाए कि कामयाब होगा या प्रेशर आज ज्यादा होगा इनके ऊपर में? देखो, अगर हम जाएं कि भाई इमोशनल और प्रोफेशनल, इमोशनल नहीं हो सकते कि भी राहुल द्रविड़ बहुत अच्छे रहे हैं और अब उनको प्रूव करना पड़ेगा। जहीर खान बहुत अच्छे थे, उन्होंने बहुत इंडिया को मैच जितवाए, पर उनको प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि आज का जो गेम है, जो आज की क्रिकेट है, वो T20 गेम है और T20 गेम में आपका एटीट्यूड दूसरा होता है। और जैसे विभोर ने बताया कि एक ओवर में ही सारा गेम पलट जाता है, जैसे पिछले मैच में अमित मिश्रा थे तो उन्होंने 2 ओवर में 32 रन खा लिए और उसके बाद बैटिंग में वो मेरे स्टूडेंट होते भी बैटिंग में भी वो उतने अच्छे से नहीं खेल पाए जिस तरह से ऋषभ पंत खेल रहे थे। अगर वो कम्बिनेशन अच्छा करते तो जरूरी था कि दिल्ली टीम जीत जाती, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। जहीर खान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप एक वक्त में और अभी भी उनके साथ फिटनेस की समस्या बहुत ज्यादा रही है। टीम में आए, अच्छी बॉलिंग की, उसके बाद फिर कुछ मैचेस के लिए बाहर होते रहे इंडिया की टीम में, अगर उनके रिकॉर्ड को उठा करके देखा जाए इस वक्त। हालांकि 4 ओवर एक ही एक बॉलर करता है, लेकिन पहला ओवर और आखिरी चौथा ओवर क्या उनकी वही लय, वही स्पीड और उसी अग्रेशन के साथ दिखता है आपको कि वो कर पाते हैं या कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो डाउन होते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात है कि ये जो ये फिजिकल गेम है, इसमें आपको जो है वो एक एक्सपीरियंस तो यूज कर सकते हैं अपना, पर वो एक जो एंथो होता है, 25 साल के बच्चे में जो एंथो होता है, जो एक स्पीड होती है, वो उसको कम्बिनेशन नहीं बन सकता। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप एक्सपीरियंस के साथ अगर दूसरे लड़के उनका साथ दें, अब टीम में ऋषभ पंत अकेले हैं, नदीम है, वो अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं, पर सबसे बड़ी बात क्या है कि जो बैटिंग साइड है वो अच्छा नहीं कर पा रही। यहाँ सबसे बड़ी एक बात ये देखनी होगी कि आज के मैच में जब टीम उतारी जाती है जब्बार जी, तो किस तरीके से उतारी जाती है, क्योंकि पिछले मैच में हम लोगों ने देखा था कि कहीं ना कहीं जब बैटिंग ऑर्डर जब आप चेस करने जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप जब बल्लेबाज बॉलिंग जब बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हैं तो लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, वो चीज कहीं नहीं दिखी थी। जिस तरीके से संतुलन बिठाया जाना चाहिए वो संतुलन दिखता नहीं है। बहुत शुक्रिया फिलहाल विभोर श्रीवास्तव और संजय भारद्वाज जी, चूंकि वक्त की तंगी, हम आप लोगों के शुक्रिया से पहले एक बार चलेंगे कि इस वक्त जितने भी मैचेस खेले गए हैं उन मैचेस की स्थिति क्या है, पॉइंट्स की जो टेबल्स हैं उन पर एक बार निगाह डाल लेते हैं कि किस किस टीम के पास में क्या कुछ पॉइंट्स है। हैदराबाद की टीम की अगर बात करें, 2 मैच खेले 2 जीते हैं दोनों, 4 पॉइंट के साथ ये आगे हैं। पंजाब ने 2 खेला 2 जीते, इनके पास भी 4 पॉइंट्स है। पुणे के पास में 1 पॉइंट क्योंकि 1 जीते 1 हारे। बैंगलोर से ने 3 खेला लेकिन 2 हार चुके हैं 2 पॉइंट्स। और डेडेविल्स और गुजरात दोनों का अभी तक खाता नहीं खुला है। कोलकाता की बात करें, 2 खेले 1 जीते 1 हारे। मुंबई इसी तरीके से 2 खेल करके 1 जीते 1 हारे 2-2 पॉइंट्स के साथ में। तो ये एक पॉइंट्स है टेबल की बुनियाद पर, लेकिन आज चूंकि 8 बजे से मैच शुरू हो रहा है, दिल्ली के बाद जिस तरीके से हम लोग फोकस कर रहे थे कि जहीर खान और राहुल द्रविड़ शायद कहीं ना कहीं वो संतुलन, वो कॉम्बिनेशन बिठा नहीं पा रहे हैं, और यही वजह है कि आज की फेवरेट टीम हमारे एक्सपर्ट खेल एक्सपर्ट संजय भारद्वाज की ये मानी जा रही है कि पुणे है उनकी नजर में, और आज शायद पुणे आज भी जीत दर्ज करेगी। फिलहाल चूंकि वक्त कितना गया इसलिए इस चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा, अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश प्रदेश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।